नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 125। राधा और श्री कृष्ण का पुनः मिलाप। राधा के पूछने पर श्री कृष्ण द्वारा अपना तथा राधा का रहस्योद्घाटन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्य अन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मिणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्धाश्रम में ही ठहर गए। वहाँ वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोकुलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीतियुक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने विरज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहाँ आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा ले राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था द्वादश वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेंत लिए उन्हें घेरे हुए थीं। उधर प्राणवल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्करा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर पिच्छ शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से विभूषित थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा बिखेर रहा था। वे साक्षात भक्त अनुग्रह मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। राधिका बोली, नाथ, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गए। पांचों प्राण स्नेहार्द्र और आत्मा हर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु दर्शन दोनों अर्थात दृष्टा और दृश्य के हर्ष का कारण होता है। विरह अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षिणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिवा शिवप्रदा शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ, किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएँ नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहने पर देह शोभा संपन्न पवित्र और सर्वशक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर वह शव रूप हो जाता है। नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से पांचों प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। यों कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बैठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय गोपियां निरंतर श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। चंदना ने श्रीहरि के शरीर में सुगंधित चंदन का अनुलेप किया।
मुस्कुराती हुई रत्नमाला ने श्रीहरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित चरण कमल में जल, धूप, पुष्प और चंदन युक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालती ने श्रीहरि की चूड़ा को मालती की माला से सुशोभित किया। सती पार्वती ने चंपा के पुष्प का पुटक समर्पित किया। पारजाता ने हर्षमग्न हो श्रीहरि को पारजात पुष्प, कपूर युक्त तांबूल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदंब माला ने कदंब पुष्पों की शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा कमल और अमूल्य रत्न दर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमला ने पूर्व काल में वर्णा द्वारा दिए हुए दोनों सुंदर वस्त्रों को श्रीहरि के हाथ में ही रख दिया। सुंदरी वधू ने साक्षात श्रीहरि को गोरुचन किसी आभा वाले एवं मधुर मधु से परिपूर्ण मधुपात्र दिया। सुधामुखी ने भक्तिपूर्वक अमृत से लबालब भरा हुआ अमृत पात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपी ने प्रफुल्लित मालती पुष्पों के माला जाल से विभूषित एवं चंदन चर्चित पुष्प शया तैयार की। वह शया एक ऐसे परम मनोहर भवन में सजाई गई थी जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से हुआ था। श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और हीरों के हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। कस्तूरी और कुमकुम युक्त वायु जिसे सुगंधित बना रही थी। जलते हुए सैकड़ों रत्न दीपों से जो उद्दीप्त हो रहा था और नाना प्रकार की वस्तुओं से समन्वित धूपों द्वारा जो निरंतर धूपित रहता था। वहाँ रत्नकरी शया का निर्माण करके गोपियाँ हंसती हुई चली गईं। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाली उस परम रमणीय शया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। उस समय सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मुख में सुवासित तांबूल का बीड़ा दिया, फिर श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का अनुलेप किया, उनकी शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया, हाथ में सहस्त्र दल युक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीनकर उसमें रत्न दर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांति मूर्ति कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्करा रहे थे, उन प्रियतम श्री कृष्ण से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन बोली। श्री राधिका ने कहा, नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों का प्रदाता है, उसके विषय में कुशल मंगल का प्रश्न करना तो निष्फल ही है, तथापि इस समय कुशल पूछना समय अनुसार उचित है, क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलि माना जाता है। इसलिए रुक्मिणीकांत, सत्यभामा के प्राणपति, इस समय कुशल तो है न? तदनंतर श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप तथा अवतार लीला के संबंध में प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण बोले, राधे, जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पंडित हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राधे, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूँ, फिर रुक्मिणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं कार्य कारण रूप से पृथक पृथक व्यक्त होता हूँ। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूँ और तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में मैं स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण रूप से वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुल के वृंदावन नामक वन में मैं ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विविज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले, गोपियाँ और गौएं ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ। वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रियतम हूँ और सदा शांत रूप से वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपों में विभक्त हूँ, भूतल पर श्वेत दीप और क्षीर सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मर्त्यलक्ष्मी के जो पते हैं वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुर्भुज रूप से ही रहता हूँ।
मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ और धर्मवक्ता, धर्मेष्ठ तथा धर्म मार्ग के प्रवर्तक सनातन धर्म नर हैं। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शांति लक्ष्मी स्वरूपा हैं और इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियों के दाता और साक्षात कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुज रूप धारी मैं ही सदा द्वारका में रुक्मिणी का स्वामी होता हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में वास करता हूँ तथा अन्य अन्य रानियों के महल में भी मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुन का सारथी हूँ। अर्जुन नर ऋषि है, धर्म का पुत्र है, बलवान है और मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। उसने पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है। राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुल में भी हो। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशाई की प्रियतमा मर्त्य लक्ष्मी तुम ही हो। धर्म की पुत्र वधु लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो। भारतवर्ष में कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम ही मिथिला में सीता नाम से विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मिणी के रूप में तुम ही वास करती हो। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम ही राम की पत्नी सीता हो। रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सत्य, जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरी, अब तुम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण का कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध अध्याय 125 संपूर्ण। जय राधा माधव।